हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़ बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको फेक नेल्स बनाना बताऊंगी, वो भी घर पर आसानी से पड़ी हुई चीज़ों से, जैसे कि सेलो टेप और कुछ डिज़ाइनर टेप्स। अगर आपके पास सिर्फ सेलो टेप है तो आप सेलो टेप से बना सकते हैं, या फिर डिज़ाइनर टेप्स पड़ी हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही टेप से बनाना बताया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे फेक नेल्स बिल्कुल रियल नेल्स की तरह लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप इसे किस तरह अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फेक नेल्स बनाने की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए पूरा वीडियो वॉच करिएगा। मैं आपको यहाँ चार तरीकों से फेक नेल्स बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, फेक नेल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सेलो टेप की ज़रूरत होगी, पहले तरीके से बनाने के लिए, और साथ ही साथ सीजर चाहिए और नेल पॉलिश चाहिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पिंक नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक पॉलिथीन का पीस ले लेंगे, आप यहाँ कुछ भी लग सकते हैं, जिससे अगर हम अपना टेप को पेस्ट करें तो ये आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हमें जितना बड़ा नाखून चाहिए हम उतना बड़ा टेप को पेस्ट करेंगे, फिर उसे कट कर लेंगे। और ऐसे ही हम दो तीन बार टेप को पहले वाले टेप के हिस्से पर ही पेस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम नाखून के शेप पर आते हैं। आपको जैसा नाखून का शेप चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल पसंद है तो आप इस तरीके का ट्रायंगल शेप रख सकते हैं, या सेमी सर्कल रख सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कैसा रखना चाहते हैं। और ये है हमारा टेप जिसे हमने दो तीन का लेयर बनाकर पेस्ट किया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर सेमी सर्कल शेप रख रही हूँ। आपको जैसा शेप पसंद है आप वैसा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे वापस वही शीट पर पेस्ट कर देंगे पॉलिथीन की, और उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इसलिए मैंने पॉलिथीन शीट का यूज़ किया था क्योंकि इससे कन्वीनियंट हो जाता है नेल पॉलिश लगाने में। आप नेल पॉलिश लगाने के बाद पॉलिथीन को फिर थ्रो कर सकते हैं। तो नेल पॉलिश सूखने के बाद हम यहाँ से टेप को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने टेप को निकाल लिया है। और ये देखिए, अब हमारा ये फेक नेल बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये टेप का स्टिकीनेस है भी तो आप इसे सिंपली अपने नेल पर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे टेप की स्टिकीनेस चली गई है तो मैं यहाँ पर ग्लू से पेस्ट कर लूँगी। मैं आपको आगे और भी आइडियाज़ बताऊँगी जिस चीज़ से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तरीके में तो मैंने ग्लू से पेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला तरीके का बना हुआ फेक नेल। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। तो दूसरे तरीके में मैं इस तरीके के टेप का यूज़ करूँगी फेक नेल बनाने के लिए। ये थोड़ा मोटा और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक का होता है। तो इसका हमें सिर्फ एक ही पीस कट करना है, और आपको जो पसंद हो उस शेप में आप कट कर सकते हैं उसके बाद। और फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हिस्सा नाखून पर पेस्ट है वो चौड़ा हो, और जो बाहर की तरफ हो वो पतला हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इससे हमारे फेक नेल्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर मेरा टेप का स्टिकनेस चला जाएगा तो मैं सेकंड वाले को पेस्ट करने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। अब मैंने आपको पहले भी एक नॉर्मल ग्लू से पेस्ट करके दिखाया था, आप वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कौन से ग्लू से पेस्ट करना चाहते हैं। जो भी मैं आपको बताऊँगी आप किसी भी चीज़ से पेस्ट कर सकते हैं।
तो तीसरे टाइप के फेक नेल्स में मैं इस पतले टेप से बताऊंगी। तो इसका भी हम एक हिस्सा कट कर लेंगे जितना बड़ा हमें फेक नेल चाहिए और उसे अपने पसंदीदा शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद चिपका लेंगे और ऊपर वाले हिस्से में स्टिकिनेस हटाने के लिए पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरे टाइप का फेक नेल। और जो मैंने आपको पहले तरीके में सेलो टेप से बताया था वो वाले तरीके में मैं दूसरे नेल पॉलिश से ऐसे डिज़ाइन बनाऊंगी। आप कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा डिज़ाइन मैंने बनाया है और अब मैं आपको सारे नेल्स लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे नेल्स कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही आसानी से सेलो टेप और डिज़ाइनर टेप से बने हैं। आप इन दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। और इसे पेस्ट करने के लिए आप आईलैश ग्लू या अगर आपके पास फेक नेल्स ग्लू है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे गिफ्ट करने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक खाली डब्बा लिया है और इस बॉक्स के साइज़ के पेपर पर मैंने हैप्पी मदर्स डे लिखा है। और बस हम अब सिंपली इसके अंदर फेक नेल्स को डाल देंगे और मदर्स डे के दिन अपनी मॉम को गिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो फेक नेल्स घर पर सेलो टेप और डिज़ाइनर टेप से बनाने का। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।